हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बना रहे हैं ना कुछ अलग किस्म की चटनी। मुझे ना चटनियाँ बहुत पसंद है। सो आज हम बनाएंगे थोड़ी ये देसी स्टाइल में एक अलग सी चटनी। सो ये टमाटर ली है मैंने, तीन टमाटर्स लिए हैं और ये मैं यहाँ गैस पे रख देती हूँ ताकि ये भुन जाए अच्छे से। सो जब तक ये अच्छे से भुन के इनके ये छिलके नहीं उतर जाएंगे हम तब तक इसे भुनेंगे। सो ये देखिए धीमी आंच में मैं करे जा रही हूँ और ये देखिए कैसे ये हो रही है कुक। वाह, बस कुछ इस तरीके से हम इसे अच्छे से चारों तरफ से पका लेंगे। सो जब टमाटर हो ही रही है ना तो मैं साथ के साथ साइड में ये रख देती हूँ हरी मिर्चें और ये कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, जैसे गांठ है ना, चार पांच कलियाँ मैं ये गांठ भी रख देती हूँ ताकि इकट्ठे एक ही गैस पे सारा हो जाए। सो बड़े ध्यान से करना है आपने और इसे बार बार धीमी आंच पे ही करें, फुल पे करेंगे तो ये जल्दी जल्दी जल जाएंगे। सो इन्हें आप बार बार पलटते रहिए। ये देखिए अब मैंने इसे ऐसे पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। सुपर्ब, ये देखिए। तो अब थोड़ी देर ऐसे रख दूंगी और इसे भी मैंने रख दिया ऐसे। मिर्चें जो है वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, हल्का सा इस वाली मिर्च को पलटना पड़ेगा। ये भी हो जाएगी अभी। ओ, और ये गार्लिक है, ये भी साइड बाई साइड देखिए कैसा हो रहा है। सो ये भी ऐसे रख देते हैं ताकि ये भी साथ में हो जाए। सो ये देखिए टमाटर कैसी हो रही है, इनके छिलके तक उतर गए हैं। हल्का हल्का और करेंगे जहां से ये नहीं भुनी है, थोड़ा सा और यहाँ से गार्लिक भी हो गया है बढ़िया सा, मैं निकाल लेती हूँ इसे। थोड़ा सा और टमाटर में कसर है, बस वो होते ही हम बनाएंगे अपनी चटनी। सो जब तक टमाटर हो रही है ये मिक्स है, हल्का सा ये स्क्रेप करके इनके ऊपर की जो काली स्किन है हल्का सा ही स्क्रेप करेंगे और उतार लेंगे। ये मैं डाल देती हूँ अपने खल में, आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। ये है हमारे गार्लिक की बारी। देखिए कितने बढ़िया से ये हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बढ़िया सी खुशबू आ रही है गार्लिक में से। हल्का सा स्क्रेप कर लूंगी मैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, मामूली सा, ताकि वो कालापन जो है ना कम रहे, कड़वाहट आ सकती है उससे। तो ये मैं हल्का सा निकाल लेती हूँ। ये हो गया हमारा गार्लिक भी रेडी, अब हम टमाटर देख लेते हैं। सो ये हो गई है टमाटर, देखिए कैसे सब तरफ से हो चुकी है। अब इसके ऊपर का ये जो छिलका है थोड़ा सा अगर आप हो तो ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद इसका छिलका आराम से उतार लीजिए। सो ये मैंने इनका छिलका सारा उतार लिया है, अब इनको काट लेंगे ज़रा सा हम, ताकि जो अंदर से गर्म गर्म हवा है ना वो भी रिलीज हो गई, ठंडा हो जाए और मैं आराम से इसे कर सकूं पीस। सो ये सारे पीसेस काट रही हूँ, ये ऊपर की जो आंख है वो निकाल के फेंक देते हैं। अब डाल देती हूँ ये भी मैं अपने कूटने वाले में। सो जब तक ये टमाटर ठंडे हो रहे हैं मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती जो है बारीक बारीक काट देती हूँ ताकि वो भी हम साथ में पीस ले। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। आपको कम पसंद है आप कम डालिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक। मेरा फेवरेट काला नमक, इसीलिए मैंने नॉर्मल नमक जो थोड़ा कम डाला क्योंकि मैं काला नमक भी डालने वाली हूँ इसमें। सो अगर आपके पास ही ऐसे पीसने वाला हो
तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, बहुत इजीली पिस जाएगा। या तो आप मिक्सी में इसे हल्का सा पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी प्री कुक्ड है। ये देखिए कितनी फटाफट ये चटनी बनने जा रही है। सो ये देखिए चटनी जो है मैंने पीस ली है। ये बहुत पेस्ट की जैसे नहीं पीसनी है, बस हल्का सा, अगर आपके पास आप मिक्सी में ना करो, ये भी ना हो ना, तो हल्का सा उसे जो पाव भाजी मैशर आता है उसी से मैश कर सकते हैं। सो इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, मुंह में खड़ा खड़ा आता हुआ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसमें भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर मुझे तो ये बिल्कुल ऐसी ही पसंद है। और अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप उसमें ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं, यू नो। तो बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये वाली चटनी, भुने टमाटर की चटनी, आपको चटोरी रजनी की किचन से कैसे लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बस आप बताइए अब आपको कैसी लगी, और अगर आप ऐसी बनाते हैं तो आपका क्या डिफरेंट बनाते हैं, क्या आपका कुछ एडिशन है इसमें, तो शेयर ज़रूर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।